वर्ड्स के थ्रू किस तरीके से हम लोग किसी वर्ड्स को याद कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है रूट्स वर्ड्स के थ्रू याद करने का तरीका, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये रूट्स वर्ड्स होता क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ एमी एक आपको वर्ड दिख रहा होगा। एमी का मीनिंग होता है फ्रेंडली, और आपको जहाँ भी एमी नज़र आए तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो मीनिंग होगा वो एक फ्रेंड से ही रिलेटेड होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एमिटी, यहाँ लिखा है एमिएबल, एमिकेबल और एमिसाइड और एमिकस क्यूरी। यह सारे में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एमी वर्ड जुड़ा हुआ है, ए एम आई। तो इसका मतलब एक आप अनुमान लगा लिए कि इसका एक रिलेशन जो होगा वो किससे होगा, एक फ्रेंड से होगा। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि ये रूट वर्ड्स के थ्रू आप एक वर्ड को याद रखते हैं तो बहुत सारे मीनिंग को आप याद रख सकते हैं। जैसे एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, किसी दोस्त के साथ हम लोगों का रिलेशन रहता है दोस्ताना वाला, तो उसको क्या कहते हैं, एमिटी। फिर होता है एमिएबल, इसका मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली। एक है एमिकेबल, ये होता है फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, एक ऐसा दोस्त जो कि क्या करो, कोऑपरेट करे, जो एक दूसरे की मदद करे। फिर एक होता है एमिसाइड, एमी मतलब तो आपने देख लिया कि फ्रेंड होता है, और साइड मतलब होता है किलिंग। अब देखो दोस्त, मैंने एक काम किया है कि जो भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड, जो भी रूट वर्ड्स है, मैंने सारे को हाईलाइट कर दिया। जैसे एमी को फ्रेंडली मैंने लिखा, मित्र होता है, साइड मतलब होता है किलिंग, ठीक है। एमी मतलब फ्रेंड, साइड मतलब किलिंग, तो इसका मीनिंग आप निकाल सकते हो किलर ऑफ फ्रेंड्स, मतलब कि उस दोस्त को मारने वाला, राइट। तो इसी तरीके से है एमिकस क्यूरी, एमी मतलब हो गया फ्रेंड, क्यूरी मतलब होता है कोर्ट, एमिकस क्यूरी का मतलब हो गया फ्रेंड ऑफ कोर्ट, राइट। तो यहाँ से एक वर्ड हमें निकलता है एमी मतलब फ्रेंडली, और इससे मुझे जितने भी वर्ड्स रिलेटेड आएंगे उसका मतलब क्या निकलेगा कि फ्रेंडली। एमिटी हो गया, एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, एमिसाइड हो गया, एमिकस क्यूरी हो गया, इन सारे का मतलब क्या निकलता है, मेरा फ्रेंडली रिलेशंस वर्ड निकलेंगे, राइट। इसी तरीके से दूसरा एक वर्ड है एमबी, एमबी मतलब क्या होता है, बोथ साइड। इट मीन्स कि जो एक समय पे अपने दोनों अंगों का, मतलब कि दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सके, मतलब बोथ साइड। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं, पहला है मेरा एमबी डेक्सटोरियस, फिर क्या है एमबीग्यूअस, फिर एमबीग्यूटी, फिर एमबी वर्ड, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, कुछ और भी ऐसे नीचे वर्ड है मेरा एम्बीवेलेंट, फिर क्या है एम्बीलेटरल। ये सारे के मीनिंग जो है वो हमेशा क्या होंगे, बोथ साइड दोनों से रिलेटेड। जैसे कि एम्बी डेक्सटोरियस, इसको हम लोग यदि देखेंगे, एम्बी और डेक्सटोरियस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एम्बी का मतलब क्या होगा, बोथ, और डेक्सटोरियस का मतलब होता है स्किलफुल, मतलब कि जो दो तरीके से स्किलफुल हो। जैसे हु कैन यूज़ बोथ ऑफ हिज लिम्स एट वन साइड, जैसे कि आपने देखा होगा थ्रीड्स मूवी में जो वुमेन ईरानी है वो क्या करता है, एक समय में दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का, राइट। तो वो क्या है, एक ही समय पे अपने दोनों अंगों का यूज़ कर सकता है। तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो इंसान क्या है, एम्बी डेक्सटोरियस है, वो दोनों इस्तेमाल कर रहा है एक ही समय पर, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस मतलब होता है अनसर्टेन, अनक्लियर। जैसे कि एक सिचुएशन है, एक इंडिया क्रिकेट का मैच हो, इंडिया की मैच हो रही है किसी अदर कंट्री के साथ, तो वहाँ पे क्या है कि इंडिया अच्छा खेल रहा था, फिर उसकी कंटिन्यूस विकेट गिर जाती है, और लास्ट में क्या होता है, बैट्समैन जो है वो धीरे धीरे करके वो मतलब कि स्कोर के नज़दीक पहुंच गया। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इंडिया जीत भी सकता है और इंडिया हार भी सकता है। तो क्या है, वहाँ पे दो सिचुएशन मेरे बन सकते हैं, हारना और जीतना। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस मतलब बोथ सिचुएशन हो सकता है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। इसी तरीके से क्या है एम्बिग्यूटी, राइट। यहाँ पर देखोगे एमी वर्ड, यहाँ पे एमबी होना चाहिए था, मेरा बी छूट चुका है, एमबी वर्ड। एमबी मतलब क्या होता है, आपको पता है बोथ, वर्ड मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन। तो ठीक है, जो अंतर्मुखी हो, जो अंदर की तरफ क्या हो, मुखी हो, मतलब कि अंतर्मुखी, जो अंदर भी हो और बाहर भी हो। एमबी मतलब क्या हो गया, बोथ हो गया, तो जो दोनों की तरफ, उसको कहेंगे जो अंतर्मुखी भी हो और बहुमुखी भी हो। अब इसको समझने के लिए पहले आप इन दो वर्ड को देखो, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रो मतलब क्या होता है, इंट्रो का मतलब होता है टर्न इनसाइड, जैसे हम लोग अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वो भी एक रूट वर्ड्स इंट्रो से निकला है। तो इंट्रो मतलब हो गया टर्न इनसाइड, और वर्ड मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन, तो एक दिशा में घुमा हुआ, उसको क्या कहेंगे, इंट्रोवर्ट। फिर होता है एक एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो मतलब क्या होता है आपका, एक्सट्रो मतलब होता है जो टर्न आउटसाइड, जो क्या हो, बाहर की तरफ टर्न हो। वर्ड मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन, तो बाहर की दिशा में घुमा हुआ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सट्रोवर्ट। अब जो इंट्रोवर्ट भी हो और जो एक्सट्रोवर्ट भी हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एम्बीवर्ट, क्या करते हैं, एम्बीवर्ट। तो मैं इसीलिए कहा था कि पहले आप इंट्रोवर्ट देख लो, एक्सट्रोवर्ट देख लो, तो आपको एम्बीवर्ट समझ में आ जाएगा। इंट्रोवर्ट मतलब कि जो अंतर्मुखी हो, एक्सट्रोवर्ट जो बहुमुखी हो, मतलब कि बाहर की तरफ दिशा में हो, और एम्बी मतलब जो अंतर्मुखी हो और बहुमुखी भी हो। तो वो होता है तुम्हारा एम्बी
वर्ड, राइट। इसी तरीके से एक है मेरा एम्बी वैलेंट, एम्बी वैलेंट, एम्बी मतलब क्या होता है बोथ आपको पता है, वैलेंट मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट। जैसे कि आपने देखा होगा ना मैथ में भी हम लोग पढ़ते हैं वैलेंट जो होता है इक्विवेलेंट ट्रायंगल, तो इक्यू मतलब होता है बराबर, वैलेंट मतलब क्या होता है बराबर के समान ही होता है। तो एम्बी मतलब बोथ, जैसे कि आप तराजू का एग्जांपल ले लो, राइट। अब वेट करते हो तो क्या होता है, अब 1 kg एक साइड रहता है, दूसरे साइड क्या करते हो आप थिंग्स वस्तु या किसी चीज़ों को रख के बराबर करते हो, तो दोनों साइड क्या हो जब आपका बराबर हो जाए तो वैलेंट मतलब आपको क्या पता चल गया इक्विवेलेंट। और देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, वैलेंट मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट और एम्बी मतलब क्या होता है बोथ। तो इसका मीनिंग क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल इन अ बोथ साइड, जो क्या हो दोनों साइड बराबर हो। अब इसी तरीके से लास्ट कॉर्नर आप राइट में देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ, एम्बी लैटरल। एम्बी मतलब तो आपको पता है बोथ साइड, लैटरल आपने मैथ में देखा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है बहुत सारे देखते थे। लैटरल मीन्स होता है साइड, मतलब इक्विलैटरल मतलब जो चारों साइड से क्या हो बराबर हो। तो एम्बी लैटरल क्या हो गया, जो दोनों साइड से बराबर हो। अब आप देख रहे हो कि एक वर्ड के थ्रू हमें कितने सारे वर्ड याद हो जा रहे हैं। एम्बी मतलब आपने ये दिया देख लिया कि एम्बी मतलब होता है बोथ, और इसका मतलब निकल गया एम्बीडेक्सटोरियस, एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूटी, एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और क्या आपने देखा एम्बीवैलेंट, फिर आपने देखा एम्बी लैटरल। तो हमने आज दो रूट वर्ड्स को देखा, एक एमी, एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, और एमबी, एमबी मतलब क्या होता है बोथ साइड और बोथ। तो आप इन दो वर्ड को अच्छे से देखो और हर एक का जो मैंने वर्ड लिखा है आप एक एक एग्जांपल बना लो तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और हम लोग कुछ और नए रूट्स वर्ड्स को रोज़ इस तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।